द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। नाइन्थ क्लास का वीडियो लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम रिव्यू नंबर 1 की वोकैबुलरी और उसकी आगे जो एक्सरसाइज है ग्रामर की वो करेंगे। वोकैबुलरी आपके सामने है जो कि पिछले 4 चैप्टर्स की है, उसमें भी हम कर चुके हैं और इसमें हम रिवीजन करेंगे। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। इट वॉज अ सो डेलीकेट अ सिचुएशन, डेलीकेट सिचुएशन, सेंसिटिव सिचुएशन एज यू नो। शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिडंट रिवील द सीक्रेट। स्टेडफास्ट का मतलब होता है फर्म एंड रेजोल्यूट, यानी पुख्ता, यानी डटे रहना। विंडिक्टिव मीन रिवेंजफुल, यानी इंतकामी जज्बा रखना। ये थे 3 पॉइंट वोकैबुलरी के, और उसके बाद हम आएंगे नंबर 4 पॉइंट पर। नंबर 4 है एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब होता है हैरान हो जाना, यानी सरप्राइज। और द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। गियर्ड अप मीन रेडी, ए ऑप्शन। और नंबर 6 है देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। एलोक्वेंस का मतलब होता है फ्लुएंसी, यानी खुश गुफ्तारी। और आपका नंबर 7 पॉइंट है डिवोशन। डिवोशन का मतलब होता है लॉयल्टी, किसी के साथ वफा करना, ए ऑप्शन पे। और अब हम आते हैं इसके ग्रामर पोर्शन पर। ग्रामर पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा है जी फर्स्ट वर्ड वेलर। वेलर कहता है ये क्या है, मेटीरियल नाउन है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है या एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इसका ताल्लुक ह्यूमन फीलिंग्स के साथ है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। सम आर बॉर्न ग्रेट। द अंडरलाइन वर्ड इज डैश। सम जो है वो एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है, हम पढ़ चुके हैं और इसमें जस्ट हमारी रिवीजन हो रही है, तो बी ऑप्शन पे जाएंगे। और नंबर 3 है माई मदर विल बी डैश इफ आई गेट होम लेट। मेरी वालदा परेशान हो जाएंगी, विल बी एंक्शस, तो बी ऑप्शन पे जाएंगे इफ़ आई गेट होम लेट। ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है जिसके अंदर ये फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और इफ वाले हिस्से में और एक हिस्से में विल या शैल और फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विल बी एंक्शियस ही होगा। और नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 पे आते हैं साकिब इज लीविंग डैश फ्राइडे। अब चूंके दिन का नाम आ जाए तो हम ऑन लगाते हैं, साकिब इज लीविंग ऑन फ्राइडे एट नून, ये हम पढ़ चुके हैं। वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा इनमें से ए एंड दी, क्योंकि इंग्लिश का अगर सब्जेक्ट के तौर पे तज़करा आ जाए तो फिर हम किसी किस्म का आर्टिकल नहीं लगाते, तो नन ऑफ दीज यहाँ ऑप्शन होगा। और नंबर 6 है हाउ कोल्ड द नाइट इज। दिस इज एन डैश सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है, यहाँ ये निशान जाहिर कर रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। अच्छा, नंबर 7 है आई डैश यू राइड माई बाइक इफ यू लाइक। ये भी कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है और फर्स्ट फॉर्म आएगी, सॉरी विल शैल आएगा एक तरफ, आई विल गिव यू राइड माई बाइक इफ यू लाइक। और नंबर 8 है यू डैश बी पंक्चुअल, यू शुड बी पंक्चुअल, तुम्हें पंक्चुअल होना चाहिए। और नंबर 9 है द बॉय लाफ्स लाउडली। वो पूछता है ये लाफ्स जो है वो कौन सा वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, रेगुलर है, ये इरेगुलर है। तो यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब है ये, क्योंकि इसके आगे हमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ लगा भी नहीं हुआ, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये रेगुलर वर्ब भी है क्योंकि इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी से बनती है, लाफ लाफ्ड लाफ, लेकिन आप यहाँ इनट्रांजिटिव ही शो करेंगे क्योंकि रेगुलर हमारा अंडर डिस्कशन है ही नहीं है इस बुक के अंदर। और नंबर 10 है ओपन द विंडो। द पैसिवाइज ऑफ दिस सेंटेंस इज लेट द विंडो बी ओपन, सी ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और पैसिवाइज में थर्ड फॉर्म आती है, तो ये ओपन पे जाएंगे और लेट का हम इजाफा इसमें करते हैं। तो ये थी रिव्यू नंबर 1 की कंप्लीट एक्सरसाइज, और इसको आप सॉल्व करें और मुझे सेंड करें।